आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगी। 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए आज श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने का माध्यम बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों में गणितीय और वैज्ञानिक सोच का विकास करना अत्यंत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब बच्चों के माहौल को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाएगी तो विद्यार्थी व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य जोर वैज्ञानिक सोच के साथ साथ विद्यार्थियों का समग्र विकास करना है। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों की बुद्धि के विकास में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंबल संभाग के मुरैना जिले के दिमनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रतिरामपुरा में आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में जो भी बिजली के बिल आए हैं उनका भुगतान सरकार करेगी। उपभोक्ताओं को चालू माह से बिल भुगतान करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि निकट भविष्य में प्रदेश में बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों में भर्ती होगी। सरकार ने निर्णय लिया है कि अब नौकरी में मध्य प्रदेश के ही युवाओं की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शिवपुरी और ग्वालियर जिले के दौरे पर हैं। श्री चौहान शिवपुरी जिले के पोहरी और करैरा में सरकारी योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री चौहान इसके बाद ग्वालियर जिले के डबरा पहुंचकर वहां भी सरकारी योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश में 1,75,000 आवासों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी कुछ लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य के निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने के लिए स्वतंत्र किया है। वहीं कोरोना काल में अन्य फीस वसूली पर लगाई गई रोक बरकरार रखी गई है। मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष निजी स्कूलों की ओर से शपथ पत्र पेश कर बताया गया कि उन्होंने महामारी की अवधि के दौरान ट्यूशन फीस के अलावा किसी अन्य मद में फीस नहीं वसूली है। कोर्ट ने सभी पक्षों की सहमति से मामले की अगली सुनवाई 23 सितम्बर निर्धारित की है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 61,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं लगभग 18,000 सक्रिय मरीज हैं। इंदौर जिले में कोविड-19 के 326 नए मामले आने के बाद यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,000 से अधिक हो गई है। राहत की खबर यह है कि अब तक मिले मरीजों में से 11,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में आज 216 नए मरीज मिले हैं। उज्जैन जिले में कोविड-19 के 51 नए मामले सामने आने के बाद अब इनकी संख्या बढ़कर 2,000 से अधिक हो गई है, जबकि इनमें से 1,664 मरीज उपचार के बाद ठीक होकर घर पहुंच गए हैं। मुरैना जिले में कोरोना का संक्रमण की गति धीमी होने के स्वास्थ्य विभाग सहित प्रशासनिक अमले के लिए ये राहत की खबर है। मुरैना जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉ. अशोक गुप्ता ने बताया है कि जिले में 90% मरीजों के स्वस्थ होने के कारण कोरोना से जंग जीतने वालों की संख्या अब 2,081 तक पहुंच गई है। आज हमारे पास 520 सैंपलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें 4 DRMC से पॉजिटिव आए हैं और 3 यहाँ पर ट्रूनेट मशीन से पॉजिटिव आए हैं। कुल 7 केसेस पॉजिटिव मिले हैं। इनको जोड़कर हमारे कुल जो है पॉजिटिव केसेस की संख्या 2,227 हो गई है। आज हमारे यहाँ से 16 मरीजों को हमने डिस्चार्ज किया गया है। सागर जिले में 54 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इन मरीजों की संख्या मिलाकर अब इनकी संख्या 1,476 हो गई है। नीमच जिले में 5 और खंडवा जिले में 19 कोरोना मरीज पाए गए हैं। राज्य में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए मतदाताओं को अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कल से राज्य में 2 दिवसीय चुनावी यात्रा पर रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कल आगरमालवा जिले के बड़ौद में सभा को संबोधित करेंगे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में बीते पखवाड़े अतिवर्षा से हुई हानि की विस्तृत जानकारी केंद्र सरकार को दी गई है। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में आज शाम पहली संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन करेंगे। भोपाल स्थित पत्र सूचना कार्यालय में आज पोषण माह के अंतर्गत पोषण आहार आज के संदर्भ में विषय पर वेबिनार आयोजित किया जाएगा, जिसमें पोषण और आहार विशेषज्ञ जानकारी देंगे। होशंगाबाद जिले में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दुकानदारों ने स्वयं अपनी दुकानों को बंद करने का फैसला लिया है। आचार्य विनोबा भावे की आज 125वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्मरण करते हुए युवाओं से उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया है। सुप्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा की आज पुण्यतिथि है, इस मौके पर उनका स्मरण किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।